आई एम अनुराधा फ्रॉम नवज्योति शिक्षाधन स्कूल, योर साइंस टीचर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट योर न्यू टॉपिक रिप्रोडक्शन. जैसे कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करती. वट इज़ रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड. वो प्रोसेस जिसके द्वारा सजीव वस्तुएँ अपनी ही तरह का एक जीव उत्पन्न करती हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रजनन कहते हैं. ए मैंगो ट्री विल रिप्रोड्यूस एंड ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट. जैसे कि एक मैंगो ट्री अपनी तरह का एक मैंगो ट्री ग्रो करेगा और एक नए पौधे के रूप में उत्पन्न होगा. मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके मेथड्स हैं. फर्स्ट रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम, सेकेंड रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स, थर्ड रिप्रोडक्शन थ्रो लीव्स, फोर्थ रिप्रोडक्शन थ्रो सीड्स. रिप्रोडक्शन थ्रो स्टेम, जैसे कि आलू की आइज होती हैं, उनको अगर आलू को उगा दिया जाए तो एक नए पौधे के रूप में उत्पन्न होगा. रिप्रोडक्शन थ्रो रूट्स, कुछ पौधे अपनी रूट्स के द्वारा एक नए पौधे के रूप में ग्रो करते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिस, टर्निप एटसेट्रा. थर्ड रिप्रोडक्शन थ्रो लीव्स, और कुछ पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा, जैसे कि ब्रोफिलम पौधा अपनी पत्ती के द्वारा एक नए पौधे के रूप में उत्पन्न होता है. फोर्थ रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, और ये एक मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का. ऑलमोस्ट सभी पौधे सीड्स के द्वारा एक नए पौधे के रूप में उत्पन्न होते हैं. होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.